हेलो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का विधान है। इनमें से एक है विवाह। विवाह जिसे हम आम तौर से शादी या मैरिज कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विवाह को मैरिज कहना या शादी कहना थोड़ा गलत होगा। दरअसल विवाह जो शब्द है वो बना है वी और वाह से। इसका शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन करना। अग्नि को साक्षी मानकर वर और वधू 7 फेरों के दौरान एक दूसरे से जिंदगी भर साथ निभाने के साथ कई वचन लेते हैं और एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। हर एक फेरे के साथ साथ वर और वधू एक दूसरे को नया वचन देते हैं। ये वर वधू के लिए खास पल होता है। विवाह के समय वर वधू अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर तन मन और आत्मा से एक पवित्र बंधन में बन जाते हैं। हिंदू विवाह में 7 फेरे लेने की रस्म को काफी महत्व दिया गया है। सनातन धर्म की परंपरा के मुताबिक विवाह संस्कार के दौरान वर वधू के फेरे होते हैं और फेरों के दौरान पति पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं। 7 फेरों को सप्तपदी भी कहा गया है। इन 7 फेरों को पति पत्नी को जिंदगी भर निभाना होता है। मान्यताओं के मुताबिक 7 फेरे किसी भी हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैदिक नियम के अनुसार से विवाह के समय सिर्फ 4 फेरों का ही विधान है। इनमें से पहले 3 फेरों में वधू आगे चलती है जबकि चौथे फेरे में वर आगे होता है। ये फेरे 4 पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रतीक हैं। इस तरह 3 फेरों में वधू की प्रधानता होती है जबकि चौथे फेरे यानी कि मोक्ष मार्ग पर चलते समय पत्नी को पति का अनुसरण करना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये कन्फ्यूजन अभी आपके मन से दूर हो गया होगा। फेरे तो विधान के हिसाब से 4 ही होते हैं, लेकिन लोकाचार में इतने सालों से ये जो परंपरा चली आ रही है और जो 7 वचन कहने होते हैं तो हरेक वचन हरेक फेरे में हो जाता है। इस तरह से फेरे भी 7 हो गए और वचन भी 7 हो गए और इस तरह से ये जो शादी के दौरान ये जो परंपरा है ये हिंदू धर्म में चली आ रही है। अब बात ये उठती है कि 7 का क्या महत्व है, आखिर 7 अंक को इतना महत्व क्यों दिया गया है। दरअसल आपने गौर किया होगा कि हमारे जो ग्रह हैं वो 7 हैं, हमारे जो संगीत की धुनें हैं जो स्वर हैं वो भी 7 हैं, सूर्य की रोशनी भी 7 रंगों वाली होती है। इसके अलावा हमारे शरीर में भी 7 चक्र बताए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सी दूसरी चीजें हैं जहां पे 7 अंक का महत्व काफी ज्यादा बताया गया है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अग्नि के 7 फेरे लेने का प्रचलन है, इसे सप्तपदी कहा गया है। शादी के दरमियान आपने अक्सर ही देखा होगा कि जो वधू है यानी कि जो पत्नी है वो अपने होने वाले पति के बाईं ओर बैठती है। आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो दरअसल ऐसा कहते हैं कि पत्नी जो होती है वो पति का आधा अंग होती है। मान्यताओं के मुताबिक पत्नी को पति के बाईं ओर इसलिए बैठाया जाता है क्योंकि पत्नी को वामांगी भी कहा गया है। वामांगी का मतलब होता है पति का बायां भाग। अगर हम शरीर विज्ञान के लिहाज से देखें तो मनुष्य के शरीर का जो बायां हिस्सा है खासतौर पर वो माइंड के क्रिएटिविटी का प्रतीक माना जाता है, जबकि मनुष्य के शरीर का जो दायां हिस्सा है वो कर्म प्रधान होता है। यही वजह है कि जब 7 वचन लिए जाते हैं तो हर वचन के बाद वधू कहती है कि मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूं। इसका मतलब ये होता है कि वधू वर के बाईं ओर आने को तैयार है। तो आइए अब समझते हैं कि ये 7 वचन क्या होते हैं। चूंकि ये वचन ज्यादातर संस्कृत में कहे जाते हैं इसलिए बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कंफ्यूजन होता है कि ये 7 वचन आखिर कहे गए तो क्या कहे गए। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाता हूं कि ये जो 7 वचन होते हैं वो क्या होते हैं। पहला वचन, 7 फेरों के पहले फेरे में कन्या वर से कहती है कि अगर आप कभी तीर्थ यात्रा में जाएं तो मुझे भी अपने संग लेकर जाएं। कोई व्रत उपवास या कोई दूसरी धार्मिक काम को आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने बाएं हिस्से में जरूर स्थान दें। यह पहला वचन पति और पत्नी के साथ होने का संदर्भ बताता है।
ये वैवाहिक जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे वचन की तरफ। दूसरे वचन में कन्या वर से वचन मांगती है कि जिस तरह आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी तरह मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे और कुटुंब यानी कि परिवार की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहेंगे। अगर आप ये मानते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ, यानी कि आपके बाएं आना स्वीकार करती हूँ। अगर इस वचन के वैज्ञानिक अर्थ की बात करें तो ये वचन सबको एक बंधन में बांधता है। आज के समय में लोगों में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव हो जाता है, इसके कारण रिश्ते बिगड़ते हैं। ये वचन पति पत्नी को मानसिक रूप से रिश्तों को संजोने में मदद करता है। चलिए तीसरे वचन की ओर। तीसरे वचन में कन्या वर से ये मांगती है कि आप मुझे ये वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, पल पल मेरा साथ निभाएंगे। विवाह के इस वचन से पति पत्नी सभी अवस्थाओं में एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। इससे दोनों के मन और मस्तिष्क में वैवाहिक जीवन को लेकर जिम्मेदारियों का एहसास होता है। अब बात करते हैं चौथे वचन की। विवाह के चौथे वचन में कन्या ये बोलती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे और अब जब आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की सभी जरूरतों की पूर्ति का दायित्व तो आपके ही कंधों पर है। विवाह का ये चौथा वचन वर और वधु के विकास का प्रतीक है। वो दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से जीवन में आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनते हैं। इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट कराती है। इस वचन से ये बात भी समझ में आती है कि जो पुरुष हैं उनके लिए फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से बढ़ने जा रही है और अब वो अपनी सारी प्राथमिकताओं में अपने फैमिली को सबसे आगे रखेंगे। पांचवा वचन। शादी के पांचवें वचन में कन्या वर से कहती है कि वो अपने जिंदगी के सभी कामों में अपनी पत्नी को भी स्थान देंगे। वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में, लेन देन में और किसी दूसरे कामों में अगर कोई खर्च करते हैं तो उनकी भी बात सुना करेंगे। अगर वो ऐसा मानते हैं तो वो उनके वामांग में आना स्वीकार करती हैं। इस वचन में वर वधु अपने वैवाहिक जीवन में अपने व्यक्तिगत अधिकारों को रेखांकित कर रहे हैं। यहाँ पत्नी पति को अपनी अहमियत बताना चाहती है और ये समझाती है कि अब से उनके जीवन के सारे फैसले वो आपस में बातचीत करके ले। छठा वचन। इस वचन में कन्या कहती है कि अगर मैं अपने सखियों और दूसरी अन्य स्त्रियों के साथ बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सामने मेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे। आप जुआ और किसी भी दूसरे तरह के जो दुर्व्यसन होते हैं उनसे दूर रहेंगे। अगर आप ये मानते हैं तो मैं वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। अगर इस बात को गंभीरता से समझें तो विवाह के बाद कुछ पुरुषों का व्यवहार बदलता है। वो अपनी पत्नी को डांट देते हैं और उनसे खराब व्यवहार करते हैं। ऐसे समय में पुरुषों को समझदारी दिखानी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें ये भी देखना होगा कि वो किसी दुर्व्यसन में न फंस जाएं, वो जुआ न खेलने लगें, वो शराब न पीने लगें और इस तरह से अपने गृहस्थ जीवन को नष्ट न कर लें। विवाह का सातवां वचन और आखिरी वचन। विवाह के अंतिम और सातवें वचन में कन्या वर से ये बोलती है कि आप पराई स्त्रियों को अपनी माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के बीच में किसी अन्य को भागीदार नहीं बनाएंगे। इस वचन से कन्या ये समझा रही है कि अगर किसी भी वजह से पुरुष बाहरी स्त्री की ओर आकर्षित हो जाए तो इससे वैवाहिक जीवन पर आंच आ सकती है। इसलिए इस वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। तो दोस्तों, ये थे हिंदू धर्म में जो शादी होती है उसमें कहे जाने वाले सात वचन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।